नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश की मंत्रिमंडल कैबिनेट बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने लाए हैं। तो कैबिनेट बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, तमाम जानकारी आपके समक्ष साझा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले हुए हैं। तो हिमाचल मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, कॉलेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए यूजीसी स्केल मंजूर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों को सरकार ने यूजीसी स्केल की मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे सरकार पर करीब 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार काटन पर 6% उपदान देने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। बागवान HPMC और हिमफेड से 2 करोड़ काटन खरीद कर सकेंगे, जिसके तहत बागवानों को केवल 12% GST चुकाना पड़ेगा। वहीं कैबिनेट की बैठक अभी जारी है। 50 के करीब एजेंडा आइटम बैठक में शामिल की गई हैं, जिन पर चर्चा चल रही है। दूसरी ओर बात करें तो कॉलेज व विश्वविद्यालय के शिक्षक बीते महीनों से लगातार अपनी इस मांग को लेकर संघर्षरत थे। सरकार ने अब इनकी मांग को मान लिया है। चुनावी वर्ष में सरकार किसी भी वर्ग को निराश नहीं करना चाहती है, ऐसे में सरकार आए दिन बड़े फैसले ले रही है। हालांकि इसका असर सरकार के खजाने पर भी पड़ रहा है। प्रदेश सरकार पर 1000 करोड़ का लोन है। इसके अलावा बात करें तो बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के मामलों को लेकर बैठक में प्रेजेंटेशन दी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। एक्टिव केस 5000 के करीब पहुँच गए हैं। ऐसे में सरकार सख्त फैसला ले सकती है। मास्क पहनना अनिवार्य करना तो लगभग तय माना जा रहा है। तो यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक अभी जारी है। तो इस बैठक में कॉलेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए UGC स्केल को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं दूसरी ओर बागवानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।